खुश रखे, आबाद रखे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन ग्रिल बर्गर, जो कि असद के लिए हेल्दी और अच्छी चीज़ है। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो बस ये मैंने आधा किलो बोनलेस लिया है, अभी मैं बोनलेस इसके अंदर मिक्सी में डाल रही हूँ और इसको हम लोग थोड़े मसाले डाल के इसको पीस लेंगे, बारीक मतलब कीमा जो होता है वैसा कर लेंगे, तो अच्छा सा पीस के लेंगे। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, अजीनोमोटो डाला 1/4 चम्मच और लहसुन पाउडर 1/4 चम्मच डाला और मिर्ची का पाउडर 1/5 चम्मच डाला है। अब ये सारे डाल के हम पीस लेते हैं। तो अभी मैंने पीस के इस तरह से बर्गर बना ले। बर्गर बनाने के लिए मैंने नीचे एक प्लास्टिक लिया है और ये पीस के लिया है मैंने, और नीचे एक प्लास्टिक लिया है, प्लास्टिक लेंगे और इसके ऊपर एक और प्लास्टिक रख के इस तरह से बनाएंगे। पहले टाइम में मैंने सांचे में बनाया था, तो ये टाइम सोचा आप लोगों को इस तरह से बता देती हूँ। तो ये सारे इसी तरह से हमें सारे बर्गर बना के लेने। तो आधा किलो में मेरे से 6 बर्गर बने, मैंने बड़े बड़े बनाए थे, अगर आप चाहो तो इससे और भी ज़्यादा बना सकते हो छोटे छोटे करके। तो हमें सारे इसी तरह से बना के ले लेने हैं अच्छे से, और तेल लगाना है प्लास्टिक में, दो तरफ से प्लास्टिक में तेल लगा के उसको अच्छे से प्रेस करते हुए इस तरह से बनाना है। तो ये सारे बर्गर बन गए थे, तो मैं रख देती हूँ फ्रिज में। फिर इसके बाद मैंने एक ग्रिल पैन लिया है और इसके अंदर मैं डालूंगी अमूल बटर, और मस्का डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, इसके लिए मैंने सोचा थोड़ा अमूल बटर। अब मैं आप चाहिए तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। तो बस मस्का मेल्ट हो चुका है तो बर्गर में डाल दूंगी। अच्छा मेरे शेप के ऊपर मत जाना, बिल्कुल कैसे भी बना सकते हो आप, अल्टी पल्टी मारेंगे और इसके ऊपर आप चीज स्लाइस रखते जाएंगे। अगर किसी को रखना है तो रखो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, बट मुझे और असद को बहुत अच्छा लगता है, आनम को नहीं अच्छा लगता है, तो आनम के लिए इसी तरह रखा है मैंने। तो ये विवाह का मेरे पास चिपोटले सोच रखा है जो मैं लगाने जा रही हूँ, अगर आपके पास म्यूनिस है तो आप म्यूनिस लगा दो। तो सारे लगा के मैंने रख ली थी, बर्गर इस पे रख दिया है मैंने, आप अच्छी तरह से बर्गर रख देना। और बाकी अनम को म्यूनिस पसंद है तो उसके लिए मैंने म्यूनिस लगा लिया। और ये बर्गर का जो ऊपर जो मैंने चीज़ डाला था वो अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, आप देख सकते हो, और ये अनम सादा बर्गर खाएगी। तो मैंने एक सादा भी बना लिया है, तो आप देख सकते हो। अभी मैं इसके ऊपर लेटेस डालूंगी जो मेरे पास थी, तो ये थोड़ी थोड़ी सी मैं इसके ऊपर डालूंगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है लेटेस से, बर्गर वगैरह जो भी हम खाते हैं तो ये जब डालोगे ना तो आप बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अभी तो ऑनलाइन वगैरह सब जगह अवेलेबल है, मैंने भी ऑनलाइन ही मंगाया क्योंकि मेरे पास अभी सडनली नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो मंगा लेती हूँ। तो ये मैंने बर्गर मंगा लिया और इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ। तो मैंने इसे काट के डाला क्योंकि मेरे बच्चे इसे अखा रहेंगे ना तो नहीं खाएंगे, और ऐसा आप काट के रखूंगे ना तो बराबर से चाट के खाएंगे। तो ये हमारे बर्गर हो गए रेडी, तो जल्दी जल्दी से हम बर्गर रेडी कर लेते हैं। और मैंने सोचा थोड़ा सा स्माइली भी मैं बच्चों के लिए फ्राई कर लेती हूँ, तो मैं एक तरफ स्माइली रख दी थी फ्राई करने के लिए, असद मेरी हेल्प कर रहा था ये बनाने के लिए। तो बस ये हो गए बर्गर, तो अभी मैं जल्दी से स्माइली भी फ्राई कर लेती हूँ और बच्चों को देती हूँ फिर। तो आप देख सकते हो बर्गर कितने मस्त बने हैं, बहुत ही यमी और टेस्टी से बने थे बर्गर। ये रहे हमारे बर्गर और ये रही स्माइली, ये रेडीमेड है जो मेरे पास रखी थी, तो मैंने सोचा बच्चों को कुछ अच्छा लगेगा तो इसके लिए मैंने बना लिया। तो मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी ज़रूर बताना, उम्मीद करती अच्छी लगी होगी। और दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी पे, ऐसी ही रेसिपियों के लिए आप मुझे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते रहो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और ज़रूर करना और करवाना। दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।